दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। बिजली बिल ज़्यादा आता है तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी सब मीटर के बारे में बताऊंगा आप, ठीक है। ये सब मीटर हैं, आप समझ गए होंगे कि फोटो को देख कर ही कि सब मीटर हैं। सब मीटर तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके जो मीटर कनेक्शन नहीं हो रखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोस वाले से बिजली उधार ले सकते हैं। और वो भी उधार लेने के बीच में जो हमारी लाइन होती है केबल के अंदर बीच में, इसको यहाँ पर इस साइड के अंदर इनपुट और आउटपुट इधर निकलती हैं, तो हम इसको कनेक्शन से इसको ले सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी रीडिंग हमारी जो खर्च होएगी वो सारी रीडिंग इसके अंदर अपडेट हो जाएगी, और इसी के हिसाब से जो हमारी जो बिजली बिल आता है उसके अंदर जो हमारे जो यूनिट के कितने पर यूनिट के कितने पे करने पड़ते हैं वो आप देख कर ही इसका उसी रेट से आप इसको कर सकते हैं। 6 रुपये है या 7 रुपये हैं, 8 रुपये हैं पर यूनिट के आप इसको, और ये मार्केट में मिल जाएगी, कहीं भी सब जगह अवेलेबल हैं ये, और बहुत सस्ता आता है ये, 250 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 550-400 रुपये तक का भी आता है, ठीक है ना गाइस। और सभी की यूनिट मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, और जितनी बिजली खर्च होती है जितनी हम काम में ले रहे हैं उतनी ही निकलती हैं इसके, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से सब मीटर बोला जाता है इसको। अगर आपकी दुकान पर डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है या आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारी बिजली कितनी चली हुई है, उसके लिए आप ये परफेक्ट चीज़ है मिल रही आप, और इसके हिसाब से अपने जो बिजली बिल खपत हुई है उसके पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने का जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है और काफ़ी लोगों की मैंने कनेक्शन ये मीटर लग रही भी है, उसको एक ही मीटर है, एक ही मीटर से 5-7 लोगों के अंदर कनेक्शन हो रखा है, और आपको पता नहीं कि कितना आया है, किसी के ज़्यादा चल रहा है, किसी के लाइट का काम है, किसी की वेल्डिंग मशीन, किसी की कंप्रेसर चक्की ऐसे चलता है, किसी कितने यूनिट आए हैं, किसके कितने आए हैं, तो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन बराबर बराबर इससे से हमें बिजली बिल का पे करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैं खुद हमारी दुकान पर इसी से ही बिजली पे करता हूँ, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, कभी मेरा हैवी लोड है, बैटरी चार्जिंग का है, क्या पता है, वो कभी पंखा चलता है, तो उससे जो यूनिट अपडेट होती हैं इसी के अंदर, उसी के आधार पर हम 6-7 रुपये से पर यूनिट के पे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार तरीका, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सब मीटर हैं इसके अंदर, यहाँ से जो कनेक्शन जाता है और हम जो दुकान से कनेक्शन लेते हैं आउटपुट निकलता है, ये दोनों साइड के आउटपुट हैं और ये दोनों साइड के इनपुट हैं, ठीक है। तो आप इसको सब मीटर लगाइए, वो 400 रुपये मात्र 400 रुपये में ये मीटर सब मीटर मिल जाएगा, और इसी से आप बिजली पे कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है गाइस। काफ़ी लोगों की बिजली बिल का कनेक्शन नहीं हो रखा होता है, बिजली का कनेक्शन नहीं होता है, तो इस सब मीटर की काफ़ी लोगों को ज़रूरत होती है। बहुत ही आदमियों के कनेक्शन नहीं होता है, कोई गरीब आदमी है, किसी के बिजली बिल का कनेक्शन नहीं है, और वो किसी पड़ोस से अपने ही पड़ोस से बिजली का तार छोड़कर बिजली उधार लेते हैं, अब उसको एक्चुअली में पता नहीं होता है कितनी बिल है, लेकिन फिर भी आधा हिस्सा देना पड़ता है। तो उसी लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।